सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। मुझे यह बात परेशान नहीं करती कि किसी ने मुझे धोखा दिया, मुझे यह बात परेशान करती है कि अब मैं उस पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखूं। बारात हो या जनाजा साथ देते हैं। आज का पंचांग 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 4:26 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:54 से 3:16 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मकर राशि 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार, बौद्धिक लक्ष्य इस समय आपको आकर्षित कर रहा है। यह स्कूल वापस जाकर कुछ नए सीखने का वक्त हो सकता है। यात्रा करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कानूनी मामलों को व्यवस्थित करें और आध्यात्मिक मामलों के लिए समय निकालें। पिता जैसा कोई आपके जीवन में मुख्य भूमिका निभाएगा। आपका करिश्मा ऐसा है कि आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं। अभी बनाए गए संबंध हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। काम और करियर के बारे में निर्णय लेने के लिए यह समय उचित नहीं है। जीवन में आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल सकता है, किंतु इसके लिए दूसरे लोगों की भी मदद करें। घर के निकट संबंधियों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान दिनचर्या को खुशनुमा बनाएगा। घर में बदलाव संबंधित कुछ कार्य भी सुचारू रूप से हो जाएंगे। फर्नीचर आदि खरीदने संबंधित योग भी बन रहे हैं। टारगेट तय करने के बाद आप काम नहीं करेंगे तो खुद के लिए नाराजगी बढ़ सकती है। अभी भी काफी कामों पर नियंत्रण रखना आपके लिए संयम होगा, इसीलिए पुरानी बातों का पछतावा न करते हुए काम को पूरा करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी तरह से खुद के लिए कठोर व्यवहार ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वक्त के अनुसार काम की जगह आपको प्रगति प्राप्त होगी, लेकिन अभी खुद पर विश्वास बनाए रखें। अपेक्षा के अनुसार रिलेशन से प्राप्त ना होने से बेचैनी और चिड़चिड़ापन रहेगा। सावधानियां, कहीं भी वाद विवाद की स्थिति बनने पर धैर्य और शांति बनाए रखें, वरना इसकी वजह से थाने आदि के भी चक्कर लगाने की आशंका लग रही है। घर के बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजन आपसी सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या को हल करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। अपने साथी से दूरियों को कम करने और जीवन को गुलाबी बनाने के लिए आपकी पहल की आवश्यकता है। इन अपने सपनों को हकीकत में बदल लें। किसी दुर्घटना या हानि की भी संभावना है। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करता है। अपने परिवार के साथ विशेष रूप से अपने साथी के साथ समय व्यतीत करें और उनसे अपनी इच्छाओं और रणनीतियों को साझा करें। जीवन की चुनौती चाहे कैसी भी हो, आप दोनों मिलकर इनका सामना करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। बात करते हैं करियर की। आज आपके मालिक या अधिकारी आप पर पूरी तरह से मेहरबान है, जिसे आपको प्रशंसा और इनाम मिलने की संभावना है। अगर आपने कोई भी उधार दिया है तो धन मिलने में देरी के कारण आपको लेन देन में नुकसान होगा। कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। आज आप अपने विशेष करिश्मे को महसूस कर रहे हैं और नए दोस्त बनाने के लिए यह बेहतरीन समय है। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल के लिए समय अच्छा नहीं है। याद रखें, समस्याएं धीरे धीरे आपकी सफलता का मार्ग बना रही है। बात करते हैं सेहत की। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घुटनों तथा जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। गले की खराश और खांसी की तकलीफ भी बढ़ सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय,
केले के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें, आज शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।